इंद्री हल्के के गांव जप्ती चपरा में जीरी के खेत में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। हम आपको बता दें कि अशरफ राजा, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है, गांव जप्ती चपरा का रहने वाला, जो रात के समय खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के समय जब वो खेत में काम करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जीरी के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी गई। मृतक के शरीर पर कई गहरे निशान बने हुए हैं। मौके पर पहुंचे डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जप्ती चपरा के रहने वाले एक व्यक्ति की लाश जीरी के खेत में पड़ी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि मृतक के शरीर पर कई घाव बने हुए हैं। ये तो जांच का विषय है कि मृतक की मौत हुई है या जानवर द्वारा मारा गया है, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन कारणों से व्यक्ति की मौत हुई है। साहब ने बताया भाई ये कोई किसी जानवर के निशान है और डीएसपी साहब तफ्तीश का मैटर है। ये देखो रिपोर्ट में परिवार वाले सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है कि भाई अब यहाँ किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जंगल का एरिया पड़ता है? बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। ये देखो खेती किसानी का काम है सबका, और जैसे ये हादसा हुआ किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसमें सचेत रहना पड़ेगा और सभी को अपने ध्यान से रहना पड़ेगा। तो यहाँ निशान वगैरह मिले हैं? कुछ निशान है, कुछ लोग ये कहना अभी कुत्ते के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी तेंदुआ वगैरह के हैं। देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। डॉक्टर की टीम मौके पर है। जंगली जानवर है कोई भी है, उसके निशान मिले हैं। तो यहाँ बताया जाता है अभी 2-3 दिन पहले भी जो ग्रामीण बता रहे थे कि पहले भी कुत्तों के अटैक थोड़े बहुत, देखो कुत्ते अटैक कर देते हैं जी काफी बार हो जाए, लेकिन ये जो हादसा ये हुआ ये नहीं कभी हुआ भाई, मौत नहीं कोई हुई। कुत्ते देखो अटैक भी कर देते हैं, 5-7 कुत्ते हो कल्ला बंदा हो कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है भाई यह वजह क्या बनी भाई, कुत्तों का ही है या कोई तेंदुआ है या कोई और जानवर है, जंगली जंगल है क्या पता लगेगा। ऐसा है जी, डेड बॉडी को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर के हमले से उसकी मौत हुई है। पहले हत्या की आशंका जताई जा रही थी। ऐसा है, जब तक खेत के अंदर बीच में डेड बॉडी थी तब तक तो ऐसा ही लग रहा था, परंतु उसके ऊपर जो शरीर पे गारा मिट्टी लगी हुई थी वो धोई है, हमारी सीनो क्राइम टीम भी आई है, उन्होंने भी देखा है, और फिर जो बॉडी पे निशान देखे गए हैं, चाहे पैरों पे है, चाहे कमर पे है, चाहे आगे है, गले पे है, तो सभी जगह खरोंच टाइप या नाखून टाइप या दांतों के इस तरह के निशान लग रहे हैं, किसी हथियार के निशान नहीं लग रहे। तो कपड़े भी पूरी तरह से फटे हुए? हाँ, कपड़े भी पूरे फटे हुए हैं। तो ऐसा है कि जब किसी जानवर का हमला होगा तो ऐसा है कपड़ा भी फटना मुनासिब है उसको। तो यहाँ तो फिर आसपास के किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है सर? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी जानवर जंगली जानवर ने के हमले से हत्या हुई है तो लोगों को विजिल रहना चाहिए उसमें। सुबह 6 बजे की वारदात बताई जा रही है? नहीं, जो घरवालों का कहना है करीब 7:45 बजे वो जो है घर से आया है जी, और उसके 8:30 बजे के आसपास ही काम हो गया। नहीं, 8:30 बजे तो पड़ोसी भी आ गए थे खेत में, परंतु उससे पहले ही कहीं हुआ है।